तभी थोड़ा सा इसमें काम बाकी है। तो यहाँ गाजर का हलवा के लिए सबीना ने बनाया खीर और यहाँ आज गाजर का हलवा बन रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में एकदम सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट पे बनाने वाली हूँ आज बनाना फ्लावर की सब्जी, जो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत रेसिपी दिखाऊंगी। इसके वजह से मैं वीडियो अपना स्टार्ट कर ले रही हूँ ताकि जो भी जितना भी हो सके उतना मैं दिखाऊँ। और फिर आज के दिन पे होने वाला क्या है ये कुछ पता नहीं, लेकिन जितना हो सके सब दिखाएंगे आप लोगों को। तो आज का मौसम भी थोड़ा ठंडी ठंडी वाली है, पता नहीं बारिश भी हो सकती है कुछ। वैसे भी यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश आता है कब क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है। चलते हैं अभी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और दिखाते हैं आप लोग को बनाना फ्लावर की सब्जी कैसे बना रही हूँ मैं। यहाँ हमारी गोड़ी को देख सकते हैं आप लोग, सुबह सुबह का इसका हरकत। ओए ओए गोरी, दौड़ दौड़ के दिखाओ एक बार। गोरी बहुत ही प्यारी हो गई है अब, चल दौड़ के दिखा गोरी एक बार। गोरी दौड़ के दिखा एक बार, फिर से वही करेगी। ओ नाच के दिखा रही है गोरी, दौड़ दौड़ अंदर चली गई। आओ 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 बाहर बाहर। पूरा एकदम खेल रही है सुबह सुबह इधर उधर। इधर अम्मी पूरा साफ कर रही है, इसको से साफ करके और इसमें क्या साफ करते हैं अम्मी दिखाएगी अभी। दिखाओ अम्मी क्या साफ करते हैं। हाँ ये वाला चीज निकालेंगे जो ये वाला है, देख सकते हैं आप लोग ये वाला जो है, ये वाला एकदम अलग सा स्वाद हो जाता है। इसलिए इसको निकाल के ही बनाते हैं। थोड़ा साफ करके और इसको बॉईल करके कैसे कैसे बना दूंगी थोड़ा बहुत दिखाऊंगी आप लोग को। इधर अपना चावल, इधर दाल, तो जल्दी से साफ कर लेते हैं। ये सब दो है, कुछ दो साफ करना है। तो यहाँ अभी बनाना फ्लावर को जो हम लोग छील के पूरा रेडी करके और इधर बॉयल भी कर चुके हैं, तब इसको मुझे ले जाना पड़ेगा सब कुछ मसाला, मतलब हल्का मसाला ऐड करके बनाएंगे। तो यहाँ पूरा मसाला में सब कुछ गरम मसाला बस ऐड किए और प्याज तेज पत्ता डाल के एकदम आधी अदरक और लहसुन सब कुछ डाल के इसमें रेडी कर चुकी हूँ। और आप मुझे टमाटर ऐड करना पड़ेगा। ये रहा बॉयल वाला मसाला, यहाँ अभी मैं सब कुछ ऐड करके एकदम रेडी कर चुकी हूँ। धनिया पत्ता भी मैं डाल चुकी हूँ। तब मुझे इसमें ऐड करना है एक अंडा, जो लोकल अंडा। अंडा ऐड कर देने के बाद और टेस्टी लगता है इसकी सब्जी। तभी अंडा ऐड करके पूरा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसके बाद ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगने वाला है बनाना फ्लावर का। तो यहाँ बनाना फ्लावर की सब्जी बन के एकदम रेडी हो चुका है। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। एकदम टेस्टी सा अंडा डालने के बाद पूरा इसमें अंडा वाला ही स्वाद आ रहा है। तभी अपना घर का काम खत्म होते दुकान पे हम लोग सुबह से आए हैं। तभी तक मैं एक ब्लाउज सिल चुकी हूँ इधर, जो इसका मैं थोड़ा ब्लाउज का डिजाइन आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि इसका थोड़ा लेस लगा के मैं डिजाइन बनाई हूँ। और कैसा बना है आप लोग देखिए, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा देखने के बाद। तो चलते हैं दिखाने के लिए। तो अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा कम्प्लीट होने में थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग ये छोटे वाले एकदम लेस जो होता है वो लेस को लगा के मैं कुछ इस तरह से गला का डिजाइन बनाई हूँ। तभी थोड़ा सा इसमें काम बाकी है, इसका बॉडी मारना है और इधर मुझे थोड़ा मोर लगाना है। तो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो चलते हैं इसको रेडी कर लेते हैं ब्लाउज को। इंटरलॉक लगाना पड़ेगा अभी मुझे। तो अभी दुकान से वापस आ चुके घर पे, तो अब डिनर बनेगा और डिनर के साथ साथ क्या क्या स्पेशल बनने वाला है वो सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। तभी मैं ऑरेंज लेकर आई थी, वो ऑरेंज खाएंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे आगे डिनर पे क्या क्या बनाता है स्पेशल। यहाँ अम्मी पूरा मेहनत से एकदम गाजर को घस रही है, देखते हैं अम्मी का मेहनत कब तक काम आता है। तो कुछ इतने सारे कर चुकी है, अभी कितने देर में हो जाएगा, फिर उसके बाद गाजर का हलवा बनाएंगे। अम्मी के मेहनत का बनाया हुआ गाजर का हलवा, ये एकदम खेती का, इसके वजह से छोटा छोटा रह गया, कुछ कोई नहीं छोटा छोटा हो गया, लेकिन अम्मी एकदम अच्छा बना दे रही है। तो आज बनने वाला है गाजर का हलवा भी घर पे। और ऑरेंज कहाँ गया, ये ऑरेंज मैंने लेकर आई थी। कैसा लग रहा लाडो ऑरेंज, टेस्टी लग रहा है। अभी लास्ट, ये लास्ट, अब ऑरेंज नहीं मिलने वाला यहाँ से। और ये सब पहाड़ का, इधर ज़्यादा ऑरेंज मिलता है और ये एकदम मीठा मीठा है, जितना छोटा है उतना मीठा है। अब इसमें से एक दो छील के, जैसे मैं दुकान में खाई थी तभी अम्मी को छील देती हूँ एक दो खाने के लिए। कैसे खा रही लाडो, देखिए तो लाडो का कल से एग्जाम है, मतलब तीन एग्जाम हो चुका है। तो कल से फिर एग्जाम है, आज छुट्टी था। तो लाडो का
पेपर में चेक कर रही हूँ कि क्या क्या पढ़ी है। मैथ्स का है कल ना, ये इसका ट्यूशन का कॉपी है। यहाँ लाडो का पूरा मैथ्स का रिवीजन हो चुका है, तो अब शायद कल पूरा लिख लेगी। देख सकते हैं आप लोग पूरा राइट राइट सब में। यहाँ मैं दिखाती हूँ और होमवर्क भी है ना, देखिएगा होमवर्क। देखो जिसको होमवर्क मिला है, ये सब कर लो अभी, ठीक है। ये सब कर लो, पढ़ने बैठो। तो चलते हम लोग डिनर बनाने के लिए। यहाँ मुझे बनाना पड़ रहा है अभी मैगी। तो कोई सब्सक्राइबर भैया ने आए थे जिन्होंने हमें इतने सारे कुछ मैगी के पैकेट देखे गए हैं, तो भैया को देखे गए। और पता नहीं ये केजू के पास की कोई सब्सक्राइबर भैया। अभी इसमें से मैं बस दो पैकेट बनाने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग पहले ही खाए थे थोड़ा, इसलिए यह भैया के लिए मुझे बनाना पड़ रहा है दो पैकेट मैगी। इसको बना लेती हूँ और भैया के स्टाइल में एकदम सिंपल वाला, तो एकदम सिंपल। इसलिए पानी इधर गर्म करने के लिए रख चुकी हूँ। अभी इसको मसाला सब काट के डाल देती हूँ, रेडी कर देती हूँ भैया के लिए। तो यहाँ अभी अपना मैगी बन के पूरा रेडी हो चुका है, एकदम टेस्टी सा। अभी भैया को दे देती हूँ। लोग गेम मैन तेरा काम ढूंढ रहा है, पता नहीं है हाँ? गेम मैन का काम ढूंढा है आज लाइव में आके। इतना सारा कॉमेंट आया, कोई कोई तुमको इंस्टा पे फॉलो करेगा, कुछ करेगा। थैंक यू। लाइव में आज तेरे बारे में बहुत बातचीत हो रहा था, वैसे ये लाइव में एंट्री मार दिए। तभी ये मैगी पूरा एकदम टेस्टी ऐसा वाला पसंद है ना, तब खाओ। चलती हूँ डिनर बनाने के लिए, स्पेशल डिनर। तो यहाँ आज के डिनर पे बनने वाला है खीर, जो इधर पूरा 1.5 kg दूध है और ये पूरा एकदम अच्छे वाले दूध है। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा से ये दूध दिए हैं। और इधर खीर के साथ बनने वाला है पराठा। तो इधर मैं आटा सानने के लिए सब कुछ रेडी कर चुकी हूँ, नमक और काला जीरा डाल के। तब जल्दी से आटा को सान लेते हैं, उसके बाद खीर बनाएगी सबीना। जो सबीना सब कुछ रेडी कर रही है खीर बनाने का प्रोसेस। और इधर अपना पानी गर्म हो चुका है, लेके चलते हैं आटा सानने के लिए। तो यहाँ अभी खीर का प्रोसेस पूरा चालू हो चुका है। तो सबीना उसमें क्या क्या ऐड कर रही है मैं दिखाऊंगी आप लोग को। ये है एकदम लोकल चावल, जो लाल चावल होता है। और इधर नारियल और किशमिश और इसमें कुछ क्या ये बादाम, और इधर तेजपत्ता ऐड कर रही है। तो ये सब डाल के अभी हम लोग खीर बनाएंगे। और फिर लास्ट में डालना है इसमें अदरक भी थोड़ा सा, मैं दिखाऊंगी अगर थोड़ा बहुत हो सके तो। अदरक भी हम लोग लास्ट में ऐड करते हैं। और इधर मैं बना रही हूँ पराठा। तो कुछ इतने सारे पराठा बना चुकी हूँ, तो कुछ इतने सारे बनाने मुझे। यहाँ मैं एक और बेल के रखी हूँ, इसको डाल लेते हैं यहाँ। तो कुछ इतने ही से बनेगा आज का खीर। यहाँ अभी सब कुछ डाल के रेडी कर चुके हैं, लास्ट हम लोग चीनी डाले, उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ गाजर का हलवा के लिए सबीना एकदम सब कुछ फ्राई करके रेडी कर चुकी है। और इधर आज कुछ नए स्टाइल में बन रहा है। सबसे पहले दूध को पूरा अच्छे से उबाल रही है, उसके बाद इसको ऐड करेगी क्या उसके बाद इसको ऐड करेगी। तो पता नहीं आज का हलवा कैसे बनने वाला है। जितना भी अम्मा ये गाजर का हलवा पूरा गाजर पूरा घस के दे चुकी है। इसमें भी किशमिश है, कुछ कुछ है दाल। न्यू स्टाइल में बन रहा है, इधर कुछ ऐसे कच्चे भी डाल रहे हैं और इधर कुछ इतना फ्राई करके भी डाला जाएगा। तो अभी देखते हैं ये गाजर का हलवा कैसा बनता है। और सबीना इधर बना रही है। यहाँ खीर भी बन के अपना रेडी हो चुका है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये सबीना ने बनाया खीर और कुछ इस तरह से खीर बनाया आज अपने घर पे। और इधर रहा एकदम पराठा, कुछ इतने सारे पराठा मैं बनाई हूँ अभी। और यहाँ रहा आलू की फ्राई। तो आज के डिनर पे हम लोग का ये बना है, और उसके बाद गाजर का हलवा बनने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक हम लोग सोच रहे डिनर कर लेंगे टेस्टी सा खीर पराठा और आलू की फ्राई। यहाँ आज गाजर का हलवा बन रहा है कि बीबर का खिचड़ी बन रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कितना घंटा हो गया सबीना? एक घंटा हो गया ना, एक घंटा से अभी हम डिनर भी कर चुके हैं और अभी तक गाजर का हलवा अपना रेडी नहीं हुआ है। और इसको तो लगता है मॉर्निंग में ही खाना होगा, तब इसको मॉर्निंग में खाएंगे हम लोग। इस तरह से गाजर का हलवा बन के रेडी भी है। तो यहाँ आज रात का हमारा एक न्यूज़, जो हमारी हंसुड़ी जो रात को घुसी रही थी, तभी हम लोग इसको 9 बजे पूरा खोज के पड़ोसी में चली गई थी। इतना मेहनत से ये पकड़ाई है, अभी तभी मेरे हाथों में आ चुकी है। तब इसको ले जाके घर में रख देंगे। देख सकते हैं हमारा प्यारा सा हाँस ना, बतख है ये। तो मैं अम्मी बहुत दौड़ दौड़ के पकड़े, और भाभी भी साथ में मिल के शांति हो गई अपनी, जितना चिल्ला रही थी। चल अब तुमको घर में रखते हैं, भाग गई थी रात को। ओह माय गॉड। तो इसमें है एक, पहले से दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, नहीं दिख रहा है। अब इसको यहाँ डाल देते।
तो अभी अपना डिनर भी हो चुका है, तो अब समय सोने का। और आज डिनर पे बहुत ही स्पेशल स्पेशल चीज हम लोग बनाए थे, वैसे खाने को मन करता है इसके वजह से। तो कैसा लगा आप लोग को ये हमारा रेसिपी, अच्छा है लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।